गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आपको हम बताएंगे एक प्रोग्राम जिसमें हम क्या कराएंगे, यूज़र के द्वारा जितने भी हम नंबर्स को इनपुट करा देंगे वो सभी नंबर्स को हम सम करके दिखाएंगे। ठीक है, फर्स्टली वी राइट हैज़ इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच एंड हैज़ इंक्लूड स्टूडियो डॉट कोनियो डॉट एच। देन उसके बाद में क्या करेंगे, हम मेन फंक्शन लगाएंगे वाइड मेन। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्टअप होता है। देन कर्ली ब्रैकेट हम ओपन करेंगे और इसमें हम क्या करेंगे, पहले तो हम डेटा टाइप देंगे कि हमको क्या करना है, कौन सा डेटा टाइप लेना है। जब हमारे नंबर्स हम इनपुट करा रहे हैं तो हम इंटीजर डेटा टाइप लेंगे। एक इसमें हमने ले लिया एन, जो हम यूज़र के द्वारा इनपुट कराएंगे। एक हमने ले लिया रैम, जो हमारे रिमाइंडर को स्टोर करेगा। एक ले लिया हमने सम, और सम को हमने क्या कर दिया है, जीरो के बराबर दिखा दिया। जीरो के बराबर इसलिए दिखा देते हैं क्योंकि हमको उसको लूप में चलाना भी है और उसमें वैल्यू को हमको स्टोर भी करना है, तो हमको इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसको जीरो के बराबर दिखाना पड़ेगा। देन सी एल आर एस सी आर फंक्शन का प्रयोग किया, जो हमारी स्क्रीन को क्लियर करा देगा, जो कि हमने पहले से प्रोग्राम बनाए होंगे उसको इरेज कर देगा। देन प्रिंट एफ लगाया, जिसमें हमने एक मैसेज दिया है एंटर अ नंबर, नंबर को हमको क्या करना है, इनपुट करना है। देन स्कैन एफ, स्कैन एफ में हम इंटीजर डेटा टाइप लिया है, एक एन वैल्यू इनपुट करानी है, तो परसेंट डी वन एक बार लगा करके एड्रेस एन लगा दिया, यानी एन को हमने क्या कर दिया, यूज़र के द्वारा यहाँ पे इनपुट करा लिया। ठीक है, देन अब हमारा क्या होता है, यहाँ से लूप लगाएंगे कि हमको क्या करना है, कहाँ से वैल्यू कहाँ तक हमको ले करके जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे वाइल लूप लगाया, वाइल लूप में कंडीशन देंगे एन ग्रेटर देन जीरो, एन जब तक बढ़ा रहा है जीरो से तब तक हमारा ये प्रोग्राम चलता रहे, और जैसे हमारा क्या हो, जीरो से जीरो के से छोटा हो जाए या जीरो तक आ जाए तो हमारा प्रोग्राम क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो रिमाइंडर हमको निकालना है, तो एन मॉड बाई टेन, एन को हम क्या कराएंगे, टेन से मॉड करेंगे, और जो रिमाइंडर हमारा होगा वो आईएम में हमारा सेव हो जाएगा जाकर के। देन सम बराबर सम प्लस आरईएम, यानी रिमाइंडर को हम क्या कराएंगे, सम में ऐड कर देंगे जाकर के। ठीक है, देन एन की वैल्यू हमारी जो होगी डिवाइड बाई टेन कर देंगे, यानी एन इक्वल टू एन डिवाइड बाई टेन। इस बस प्रोसेस को आपको समझना है, इतना अगर आप समझ गए तो आप जो भी नंबर इनपुट कराएंगे उनको सभी को आप आपस में सम करके दिखा देंगे। ठीक है, देन यहाँ पे हम क्या कराएंगे, प्रिंट एफ के अंतर्गत जो वैल्यू हमको प्रिंट करानी है उस वैल्यू को हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा कि हमको ये नंबर हमारा प्रिंट होकर के आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम मैसेज लगा करके भी हम प्रिंट करा सकते हैं, अगर मैसेज ना लगाएं तो हम तब भी प्रिंट करा सकते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं सम ऑफ डिजिट, यानी जो भी हमने क्या किया है, डिजिट को इनपुट किया है, ऑफ एंटर्ड नंबर, जो हमने नंबर को क्या किया है, इनपुट किया है, उसका हमारा यहाँ पे सम आ रहा है। देन परसेंट डी, और यहाँ पे हम क्या कराएंगे, सम को प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्या करा सकते हैं, अपनी वैल्यू को हम स्क्रीन के ऊपर हम दिखा सकते हैं और उसको हम प्रिंट कर सकते हैं। देन गेट सी एच लगाया, अब इसको हम क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं, कोई हमारी एरर तो नहीं है, सॉरी इसमें दो एरर हैं, देखते हैं कहाँ पर एरर आ गई है। गेट सी एच हमारा क्लोज़ नहीं है, गेट सी एच को हमको पहले क्लोज़ करना पड़ेगा। हम फिर से कंपाइल करके देखते हैं, अब जीरो एरर जीरो बार निकला दिया गया। अब इसको रन कराते हैं, जैसे हमने वन टू फोर दे दिया, यानी इसका आंसर क्या आएगा, सेवन आएगा। ठीक है,